unspoken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो पे रिव्यू देने वाला हूँ एचपी जीके 100 मैकेनिकल कीबोर्ड का। तो ये एकदम चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है और एकदम सस्ता में मैंने यही कीबोर्ड देखा था जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो सबसे पहले मेरा फ्रेंड ने ऑर्डर किया था ये कीबोर्ड 1400 में, तो उसने 2-3 दिन यूज़ किया, फिर मैंने एक ऑर्डर कर दिया। और जब मैंने ऑर्डर किया तब फ्लिपकार्ट में ओनली प्राइस था 1249, तो इतना सस्ता में मिला। तो मेरा प्लान था कॉस्मिक बाइक CBG के 12 लेने का, तो उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, इससे भी बेटर है। तो मैंने देखा ये कम में है तो ले लिया, तो वीडियो भी बन जाएगा कोई चांस पे। मैंने इस कीबोर्ड को यूज़ किया 3 मंथ, और 3 मंथ में बहुत सारा मतलब बहुत गेम खेला। पहले गेम नहीं खेलता था, GTA 5 और NFL शॉर्ट परसिट में मैंने इसको बहुत टाइम खेला और साइड वाला स्विच बहुत ज़्यादा यूज हुआ। अभी मैं इस कीबोर्ड को दिखा रहा हूँ, तो मेरा पीछे है तो इसको सामने ला के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका वायर आ गया पीछे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक बार इसका लुक देख लीजिए। और यहाँ पे जो LED है वो इंडिविजुअल कलर है, तो यहाँ पे रेड कलर LED है, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे ब्लू, पर्पल और वाइट। तो ये कलर आप चेंज नहीं कर सकते, जो लाइट का कलर है वो फिक्स है, और आप इस पर इफेक्ट चेंज कर सकते हो। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है अगर मैं कंपेयर करूँ अलग कोई ब्रांड से। तो यहाँ पे ऐसे होता है FN दवा के, तो यहाँ पे काफ़ी सारा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट है। तो यहाँ पे इफेक्ट का कोई कमी नहीं है, आपको जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा देगा। और एक चीज़ में अच्छा है कि अगर कोई दूसरा कीबोर्ड का बात करते हो तो वहाँ पे जो इफेक्ट आप रजिस्टर करते हो वो फिर से रिस्टार्ट करने का टाइम भूल जाता है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट मैंने डाला ये वही इफेक्ट में रहता है, तो ये चीज़ उसका बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इसका डिजाइन ये थोड़ा अप है, तो यहाँ पे इसका अलग एक मज़ा है इसका जो डिजाइन का। और ये देखने में लगता है ये 5000 का ऊपर का कीबोर्ड है इस लोगों के लिए, क्योंकि HP का कीबोर्ड है। बट एक चीज़ डाउट है कि ये कीबोर्ड मैंने HP का वेबसाइट पे नहीं देखा, सब लोग बोलते हैं ऐसा। और ये HP ने खुद बनाया नहीं है, कोई चाइनीज OEM का हाथ में दे दिया, उन लोगों ने बनाया ये कीबोर्ड। और यहाँ पे एक मेन इशू है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो बिग साइज का स्विच है वो वबल होता है बहुत ज़्यादा, तो स्पेस बार में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अच्छा खासा सपोर्ट रेट है। बट यहाँ पे सपोर्ट है फिर भी यहाँ पे मूव होता है, तो मैं खोल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए सपोर्ट है फिर भी ये मूव हो रहा है एकदम, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा चीप फीलिंग आता है। और अगर मैं इसका स्विच का बात करूँ तो इसका जो स्विच है वो हाई क्वालिटी नहीं है, आप इसको मीडियम क्वालिटी कह सकते हो, बट लो भी नहीं है, तो लो होने से तो बकवास होता। और इसका जो वायर है वो ब्रेडेड नहीं है, ये नॉर्मल वायर है। और गैस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ब्लू कलर मैकेनिकल स्विच है, तो ये रियल मैकेनिकल स्विच है। मैंने इस कीबोर्ड को खोल के देखा था, बहुत लोगों ने मेरा पहले वाला अनबॉक्सिंग वीडियो पे कमेंट किया था कि ये मैकेनिकल नहीं है, ये मेम्ब्रेन का ऊपर मैकेनिकल चिपका दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने खोल के देखा था ये पूरा 100% मैकेनिकल है ब्लू स्विच। और यहाँ पे KRGD ब्रांड का है, तो ये कोई ओटेमू, जिक्सियन वो सब नहीं है, KRGD है। तो KRGD का नाम मैंने कभी नहीं सुना, जितना मैंने देखा ओटेमू देखा। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए इसका स्विच एक बार, तो ये डबल इंजेक्टेड है, मतलब दो प्लास्टिक है, एक ब्लैक प्लास्टिक है, एक वाइट प्लास्टिक। तो यहाँ पे कलर फेड नहीं होता क्योंकि ये पूरा ही ब्लैक है और ये पूरा ही वाइट है, तो कौन सा फेड होगा, मतलब फेड नहीं होता, एकदम अच्छा होता है ये डबल इंजेक्टेड होने से। सो गाइस अगर मैं बात करूँ इसका फीचर का, मल्टीमीडिया फंक्शन, तो मल्टीमीडिया फंक्शन यहाँ पे दिया गया है FN दबा के, FN वाला स्विच दबा के आपको कुछ दबाना पड़ता है ये वाला पार्ट में, F1 से F12 है। तो यहाँ पे सबका अलग अलग फंक्शन है, उसका बुक में दिया गया है। मैंने जब अनबॉक्सिंग किया था तब मैंने वो शो कर दिया था कैसे क्या होता है इसका फंक्शन, तो मुझे भी अभी याद नहीं है कैसा होता है, तो मैं यूज़ भी नहीं करता। अगर थोड़ा खर्चा करके मार्क कर देते यहाँ पे तो क्या जाता है HP का। और गाइस अभी मेन कंक्लूजन पे आता है कि कीबोर्ड कैसा है, कीबोर्ड को लेना चाहिए कि नहीं। तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे मिला 1250, तो 1500-2000 भी आप इसमें खर्च कर सकते हैं और 2000 के लिए वर्थ है। बट अगर आप इसको देखते हो कभी कभी 3000-2800 पे चला जाते हैं तो इसको मत लीजिए,
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीबीजी के 12 पे चला जाइए, अगर ये आपको अच्छा नहीं लगता बट इसमें कोई क्वालिटी इशू है उसके लिए आप सीबीजी के 12 ले सकते हो, उसमें वैसा कोई क्वालिटी इशू नहीं है, वो आप परफेक्ट कीबोर्ड बोल सकते हो। उसमें ओटेमो का स्विच आता है, तो ओटेमो का लेवल बहुत ऊपर है, ये सब छोटा मोटा किया जी डी ब्रांच है, तो ओटेमो का भरोसा कर सकते हो। तो अगर आप 2200 भी खर्च करते हो सी बी जी के 12 पे, सी बी जी के 13 पे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। और ये अगर आपको 1500 में मिल जाता है तो आप ले सकते हो, और एच पी का ब्रांड या शो कर सकते हो। अगर आप कॉस्मिक बाइट लेते हो तो लोग बोलते हैं भाई मैंने भी रेड गियर लिया था, कॉस्मिक बाइट का माउस लिया, लोग बोलते हैं ये सब क्या ब्रांड चूज़ किया, तो ये चीज़ बहुत लोगों को बुरा लगता है। बट कॉस्मिक बाइट का क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इससे, बट पैकेजिंग का क्वालिटी कॉस्मिक बाइट का एकदम कचरा था, मतलब कागज़ जैसी ऐसा लगा। बट एच पी का जो पैकेजिंग का क्वालिटी था वो भी भाई एकदम फर्स्ट क्लास था, एकदम अच्छा पैकेजिंग में दिया, इसका मेटल भी अच्छा है, बट स्विच थोड़ा बेटर कर सकते थे। और प्राइस मतलब ये 3000 पे एक परफेक्ट पैकेज बना सकते एच पी, ओटेमो स्विच देखे, अच्छा की देखे, और यहाँ पे थोड़ा फिनिशिंग का मतलब, और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा फिनिशिंग का इशू थोड़ा उठा हुआ है, तो ये सब ठीक करके वो लोग एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बना सकते थे एच पी। तो पता नहीं शायद चाइनीज OEM को दे दिया, कम खर्च पे मैकेनिकल कीबोर्ड बनाने वही है प्रॉब्लम। सो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और मैंने बता दिया कीबोर्ड कैसा है तो आपका ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं। बाय बाय।